हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बामनौर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को बामनौर में कोरोना से हुई मौतों की वस्तुस्थिति का पता लगाने हेतु निरीक्षण किया। गत दिनों विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर में बामनौर ग्राम पंचायत में कोरोना से अधिक मौत होना दर्शाया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल विशोई ने बताया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विशोई के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सताराम भाकर के नेतृत्व में टीम को वस्तुस्थिति का पता लगाने हेतु बामनौर भेजा गया। डॉक्टर भाकर ने बताया कि 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ग्राम पंचायत बामनौर में कुल 4 मौत हुई है, जिसमें 1-2 व्यक्तियों में ILI के लक्षण मृत्यु के पूर्व देखने को मिले थे तथा 2 व्यक्तियों को पुरानी बीमारी थी। इसी अवधि में ग्राम पंचायत अली मोहम्मद शाह की बस्ती में 6 मौत हुई है, जिनमें एक महिला की एक दिन के बुखार के बाद मृत्यु हो गई। 5 मृत्यु प्राकृतिक अथवा लंबी बीमारी के कारण हुई है। ग्राम पंचायत बांडा बेरा में इस अवधि में 9 मृत्यु का होना बताया गया, जिसमें एक व्यक्ति गांधव का रहने वाला था तथा एक गर्भवती महिला के गर्भ के दौरान एंटीपार्टम रक्तस्राव से मृत्यु होना बताया गया है। एक महिला में ILI लक्षण के साथ में अन्य बीमारी भी थी। शेष सभी की मृत्यु लंबी अवधि की बीमारी अथवा अधिक उम्र के कारण हुई बताई गई है। ग्रामीणों द्वारा तीनों ग्राम पंचायतों में हुई मृत्यु के आंकड़ों को एक साथ जोड़कर एक ही गांव की बताने के कारण लोगों में गलत फहमी पैदा हो गई थी। वर्तमान में इन तीनों ग्राम पंचायतों में कोविड के 6 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 3 होम आइसोलेशन में एवं 3 जिला अस्पताल में भर्ती है। ग्राम पंचायत बामनौर में स्वास्थ्य विभाग ने मीट शॉप संचालक को नोटिस जारी किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल बिशोई ने बताया कि ग्रामीण कई दिनों से डीसा गुजरात निवासी अब्बास भाई के विरुद्ध शिकायत कर रहे थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिशोई के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को शिकायत का भौतिक सत्यापन किया। मौके पर धोरी मन्ना थाना अधिकारी हरचंद निवासी में जाप्ता उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान दुकान बंद पाई गई। दुकान मालिक को मौके पर बुलाकर जांच किया तो दुकान पिछले 10 से 15 दिन से बंद होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने दुकान मालिक को नोटिस जारी कर लॉकडाउन अवधि तक दुकान नहीं खोलने, मीट का व्यापार नहीं करने तथा लॉकडाउन के बाद दुकान को गांव से दूर शिफ्ट करने हेतु पाबंद किया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।